तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, डिफरेंशिएशन का अब इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं चेन रूल के कुछ और एग्जांपल्स और कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा एक सजेशन देना चाहता हूं कि यदि आपने डिफरेंशिएशन के पिछले सेशन को नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसे आप देखिए, तभी जाकर के चेन रूल का जो भी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूं, अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा, राइट? तो जरूर जरूर से सारे पिछले सेशन के जितने भी डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स हैं वो जरूर से आप देखें। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके प्रॉब्लम के ऊपर, राइट? अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं और एक और प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे चेन रूल से रिलेटेड ही है। देखिए, अब आप वाई क्लू सेक टेन रूट एक्स है, ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है। सोचिए कैसे करेंगे, वही चेन रूल वाली बात है। जस्ट आप अपने माइंड में इसको एक्स लेके काम कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं dy by dx निकालना है तो dy by dx equal to d of dx of this one sec का sec x, समझिए बात को, x माइंड में रखना है जस्ट। और sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec of tan root x, क्योंकि ये है x नहीं, जस्ट एजम्पशन है, तो sec tan root x into tan root x। क्लियर है बात को? अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? अंदर वाले को, जो आपने माइंड में x ले रखा था। तो tan ऑफ रूट एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, पहला स्टेप्स, पहली बात हो गई। अब देखिए, इसको और इसको एज इट इज लिख दीजिएगा। tan रूट एक्स को, रूट एक्स को फिर से अपने माइंड में x ले लीजिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इसका मतलब sec स्क्वायर रूट एक्स। अब किसको डिफरेंशिएट कीजिएगा? रूट एक्स को, चेन बन रहा है, लिंक बन रही है, इसलिए इसका चेन रूल नाम है। तो रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, आपको पता ही है बात, तो 1 बाय 2 रूट एक्स, बाकी सब वैसे ही आ जाएगा। ये पूरी जो आपने लिख रखी है वैसे ही लिख देंगे इनटू 1 बाय 2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किस रूल से करेंगे, किस फॉर्मूले से? x रेस्ट टू द पावर n से, जिसका होता है n x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। n के लिए यहां पे क्या है? हाफ है, x रेस्ट टू द पावर हाफ, तो 1 बाय 2 रूट एक्स आ जाएगा। वो करके, खुद करके वर्कआउट करना, क्योंकि अब तो ये बहुत ही बेसिक बात हो गई, आप कर लिए होंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, तो ये बात हो गई आपकी, आ गया आपके सामने यही dy by dx इसका आ गया, इस फंक्शन का, राइट? तो चेन रूल से हमने एक और एग्जांपल्स को, एक और प्रॉब्लम को डिस्कस किया है और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि चेन रूल से भी रिलेटेड है और डिवीजन रूल से भी रिलेटेड है, राइट? तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। y plus sin of ax plus b divided by cos of cx plus d, इसको डिफरेंशिएट करना, तो इसका dy by dx निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन आपस में डिवीजन में रहे, ये हो गया आपका न्यूमरेटर वाला फंक्शन, ये हो गया डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, बट एंड ऑब्वियस है, तो चेन रूल के पहले हम लोग डिवीजन रूल लगाएंगे। तो dy by dx निकालने जा रहे हैं, तो dy by dx, अब डिवीजन रूल याद कीजिए, सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन को स्क्वायर करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को, तो cos स्क्वायर cx plus d। अब देखिए अगला क्या है, ऊपर कैसे करेंगे, तो नीचे वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे, मतलब cos of cx plus d को बाहर रखा, और sin of ax plus b को डिफरेंशिएट किया, मतलब न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, राइट? बीच में क्या आता साइन, बताइए, डिवीजन रूल है माइनस। फिर इसके बाद sin of ax plus b जो न्यूमिनेटर में वो बाहर रहेगा, और जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है cos of cx plus d उसको डिफरेंशिएट करेंगे, हो गया, डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, बताइए, चेन रूल। तो मैं इसको अलग से डिफरेंशिएट कर देता हूं, इसको भी अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अब बाद में उसको आप खुद प्लेस कर लेना, राइट? तो देखिए, अब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद कीजिए कॉस एक्स, जस्ट ये अपने माइंड में एक्स सोचिए, बार बार मैं कहूं चेन रूल के लिए इट विल बी द एक्स बेसिकली, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब आप ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ए एक्स प्लस बी को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसके लिए कौन सा रूल लगाइएगा, सम रूल। ए एक्स को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ऐसा क्वांटिटी है कॉन्स्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन वन, प्लस बी का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका मतलब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए, तो ये लिख दिया गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, बहुत आसान। अब अगला देखिए, डिफरेंशिएट कीजिएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी को, किसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी को। अब
cos ऑफ cx plus d को कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा देखिए यहां पे। इसको भी फिर से अपने माइंड में क्या रखिएगा, x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin cx plus d, तो माइनस ऑफ sin cx plus d एंड देन डिफरेंशिएट cx plus d, cx plus d को डिफरेंशिएट कीजिएगा फिर से सम रूल वाली बात, तो cx को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंस c, c बार आएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस d का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये आ गया माइनस ऑफ sin cx plus d into c। अब इसकी डिफरेंशिएशन ये है, इसकी डिफरेंशिएशन ये है, आप प्लेस कर दीजिए, सिंपलीफाई कर लेना जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज जैसे है वैसे लिख लेना, कोई दिक्कत बात नहीं है, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने कई सारे एग्जांपल्स अभी तक रखा है जो कि चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बाकी आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उससे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी भी ये बातें इस सेशन मैंने करा हुआ है ये तभी आपको और समझ में आएगा जो जितने पिछले सेशन के डिफरेंशिएशन के जितने भी लेक्चर्स हैं उसको डेफिनेटली जरूर करो आप। डिफरेंशिएशन के जितने भी लेक्चर्स हैं उसको आप जरूर से उसे जब आप देख लेंगे तब आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा, राइट। वो प्लेलिस्ट में क्लास 12 का जो डिफरेंशिएशन है उसमें आप देखिए, राइट, शुरू से आप देखिए, शुरुआत से जब देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही बैठ जाएगा जो बेसिक ऑपरेशन है आपके, प्लस माइनस आपका मल्टीप्लीकेशन डिविजन जो आपने क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ में सीख रखा था, तो वैसे ही आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और कुछ और टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करते हैं ताकि और भी आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन है ताकि उसके ऊपर और अच्छा कमांड आपका हो जाए, राइट।